हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस पार्टी वेयर ब्लाउज का कटिंग करके दिखाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। बस्ट की ऊंचाई पर एक लाइन खींच लेंगे। ध्यान रहे, इस पर हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, जितना बस्ट की ऊंचाई है उतना ही रखना है। फिर एक लाइन कर लेना है नीचे की ओर, चेस्ट का 12वां भाग पर टॉप लाइन बना लेना है सिलाई मार्जिन जोड़ के, ठीक है। उस पर एक लाइन खींच लेना है कफ का साइज बनाकर। फिर हमें चेस्ट का 12वां भाग में एक निशान लगा देना है, कुछ कम भी कर सकते हैं। और इसको हम लोग कंधे को चेस्ट का 6वां भाग पे निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच और एक लाइन कर देंगे। गले का डीप को रखेंगे लगभग 7.5 इंच और एक लाइन खींचेंगे। गले को अपने हिसाब से, अपने पसंद से इसको गले का डीप और डिजाइन दे सकते हैं। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से बनाने का, लेकिन फिलहाल इसको हम लोग कटिंग नहीं करेंगे, इसको चौकोर बनाएंगे। अब हमें चेस्ट का 12वां भाग प्लस 1.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। फिर 1 इंच करके दोनों तरफ डॉट का निशान लगाएंगे, 1-1 इंच दोनों साइड से, ठीक है। इसके बाद हमें लाइन खींच लेना है डॉट का। अब डॉट कहाँ से कटिंग करना है उसको भी एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए, हमें शोल्डर का जो स्ट्रैप पट्टी है उसको रखेंगे 1 से 1.5 इंच के करीब, आर्म होल का राउंड करेंगे। अब हमें कमर का 4वां भाग ले लेना है, देखिए सेट कर देना है डांट को छोड़कर। हमें 4वां भाग तैयार कर लेना है, कमर का जितना भी नाप होगा उसको हम लोग वैसे ही लेंगे। अब चेस्ट और कमर का दोनों का निशान को सीधा खींच लेंगे। साइड से 1.25 इंच का डांट देंगे, टोटल हो जाएगा 2.5-3 इंच का डांट, सामान्य भार के लिए काफी होता है। 2 इंच पर हम लोग राउंड करेंगे, शेप करेंगे, यानी कि नीचे की ओर, ठीक है। अब 1.5 इंच का हम लोग पट्टी देंगे नीचे की ओर, जो इसका बॉटम पट्टी होगा या फिर योक पट्टी, उसको 1.5 इंच का रख रहे हैं। साइड से मार्जिन ले लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन निशान लगा देंगे। यहाँ से आ रहा है 7 इंच, इसको हमें याद रखना है, पीछे साइड भी हमें इसको रखना है। इसको हम लोग कर लेंगे कटिंग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर अवश्य करिए। सबसे पहले जो डांट का जो भाग है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, यानी कि निकाल देंगे डांट का काट को, डांट जो है उसको काट कर निकाल देंगे। उसके बाद एक साइड में इसको कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है, टेप वगैरह से चिपका देना है। अब इसको भी हम लोग काट लेते हैं नीचे का योग पट्टी को। आप चाहे तो सीधा पट्टी भी बना सकते हैं इसको। यहाँ पर 1.25 इंच का हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, यानी तिरछा काट के निकाल देंगे, क्योंकि इसको तिरछा नहीं करेंगे तो जब सिलाई होगा तो बहुत गंदा दिखेगा, तो इसको हम लोग काट के निकाल देंगे बाद में। ये इसका योग पट्टी है, योग पट्टी को लगभग 1 इंच का हम लोग इसको सामने की ओर से तिरछा कटिंग करेंगे इसको 1 इंच का। फिर इसको जैसे कि किसी का शरीर मोटा है, पेट निकला हुआ है, तो इसको सेम सीधा का सीधा रखिएगा और पतला कमर में इसको वैसे ही चटिंग करके निकाल देना है। अब हमें कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इसको जितना हमारा पट्टी है उतना ले लेंगे और फिर इसको सेट करेंगे इस तरीके से और मुहर पर निशान लगा देंगे सीधा, और उसी सीधा पर एक निशान लगाकर इसको हम लोग कटिंग करके निकालेंगे। सामने की ओर काजपुरन पट्टी के लिए भी 1.5 इंच के छोड़े हैं
अब कमर का चौथा भाग में एक निशान लगा देंगे प्लस 1 इंच डाट के लिए। चेस्ट का चौथा भाग पर निशान लगा देंगे। और साइड से मार्जिन लेते हुए इसको हम लोग कटिंग कर देंगे। देखिए ये जो 7 इंच बचा है इस पर हमें सिलाई मार्जिनेट कर इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर एक पट्टी को इस तरीके से कटिंग करना है फोल्डर की तरफ से। जो बचा हुआ 7 इंच हमने लिखा है देखिए इसको भी कटिंग कर दे रहे हैं। फिर इसको हम लोग निकालेंगे फोल्डर के साइड से इसको निकालेंगे। देखिए इसको और जो 7 इंच का बचा था उसको हम लोग पीछे में पट्टी जोड़कर इसको कटिंग करेंगे। हमें इस पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है तो सामने की ओर करना है। जिस तरह धार कटिंग हो रहा है उसी तरह आप लोग भी कटिंग कर दीजिए। सेंटर पर एक निशान लगा देना है। इसको कटिंग कर दे रहे हैं देखिए इस तरीके से। जो हमने 7 इंच जो हमने 7 इंच जो पीछे का जो नाप लिखे हैं उसको हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे। सीधा सीधा निकाल बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद देख लेना है कि पट्टी की चौड़ाई सही है या नहीं है, उसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर इसको कटिंग करना है। जैसे 7 इंच है तो उस पर कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच इस पर हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। 7 इंच था तो उस पर 1.5 से 1.5 इंच बढ़ाकर इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि पीछे साइड में उसको सिलाई के लिए भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा। इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमें कपड़े पर इसको रख कर कटिंग कर लेना है। अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।